हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अनुबंध से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान पढ़ रहे थे। उन नियम या प्रावधानों में आज हम पांचवा नियम या प्रावधान पढ़ेंगे, वो है प्रतिफल से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिफल से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिफल होता क्या है। प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से है। प्रतिफल में दो शब्द मुख्य रूप से आते हैं। पहला है कुछ के बदले कुछ से है। प्रतिफल में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन की पालना के लिए या कुछ वस्तु लेने या देने के लिए कुछ के बदले कुछ देता है। जैसे राम है वह श्याम से एक कार 50,000 रुपए में खरीदता है। यहाँ पर राम है वह किससे कार खरीद रहा है? श्याम से। कितने रुपए में? 50,000 रुपए में। यहाँ श्याम है वह राम से कितने रुपए प्राप्त करेगा? 50,000 रुपए प्राप्त करेगा। और राम श्याम से क्या प्राप्त करेगा? कार प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए कुछ के बदले कुछ लिया या दिया जा रहा है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ पर राम के लिए जो प्रतिफल है वह कार है और श्याम के लिए जो प्रतिफल है वह 50,000 रुपए है। तो दोबारा से समझेंगे, प्रतिफल का सामान्य अर्थ होता है कुछ के बदले कुछ लेना या देना ही क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। अगर हम प्रतिफल को अन्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं या दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो प्रतिफल से आशय है उस मूल्य से है जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। प्रतिफल से आशय उस मूल्य से होता है जो मूल्य एक वचनदाता अपने वचन के बदले वचन ग्रहीता को देता है, उसे ही प्रतिफल कहा जाता है। मुख्य रूप से प्रतिफल का आशय आपको पता होना चाहिए कि कुछ के बदले कुछ देना या लेना ही क्या है? प्रतिफल है। दूसरे शब्दों में हमने देखा वो भी यही है कि वह मूल्य जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता वचनदाता को देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो देखिए, सुधा अपनी कार 90,000 रुपए में माधुरी को बेचने का ठहराव करती है। यहाँ पर जो सुधा है वह अपनी कार किसकी है? सुधा की है। सुधा अपनी कार किसको बेचने का ठहराव कर रही है? माधुरी को बेचने का ठहराव कर रही है। देखिए, सुधा अपनी कार 90,000 रुपए में माधुरी को बेचने का ठहराव करती है। यहाँ 90,000 रुपए देने का माधुरी का वचन कार बेचने के सुधा के वचन के लिए प्रतिफल है। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिफल किसके लिए क्या हुआ? सुधा के लिए जो प्रतिफल है वह 90,000 रुपए है। कौन देगी? माधुरी। किसको? सुधा को। और वहां दूसरा है, वह माधुरी के लिए प्रतिफल क्या होगा? कार है वह सुधा माधुरी को देगी और माधुरी कार के बदले सुधा को 90,000 रुपए देगी। तो ये दोनों के लिए क्या होगा? प्रतिफल होगा। तो दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिफल होता
क्या है? सामान्य सा अर्थ है कि प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से है। इसमें एक पक्षकार है, वह दूसरे पक्षकार को कुछ देता है या लेता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। अन्य शब्दों में प्रतिफल से आशय उस मूल्य से है जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया या लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया था कि सुधा अपनी कार है, वह 90,000 रुपये में माधुरी को बेचने का ठहराव करती है। यहाँ पर 90,000 रुपये देने का माधुरी का जो वचन है वह कार बेचने के सुधा के वचन के लिए एक प्रतिफल है। आगे देखिए, प्रतिफल से संबंधित वैधानिक प्रावधान या नियम की प्रतिफल है, उससे संबंधित जो नियम या प्रावधान है वे अनुबंध अधिनियम में क्या बताए गए हैं? प्रतिफल से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान है, उसमें पहला नियम या प्रावधान है वो है प्रतिफल वचनदाता की प्रतिफल वचनदाता की प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो, इच्छा पर हो। प्रतिफल से संबंधित पहला प्रमुख नियम या प्रावधान है वो ये है कि प्रतिफल है वह हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, वचन ग्रहीता की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, वचन ग्रहीता की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। प्रतिफल में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, न कि वचन ग्रहीता की इच्छा पर होना चाहिए। तो देखिए, प्रतिफल का सर्वप्रथम लक्षण यह है, कि प्रतिफल के रूप में प्रतिफल के रूप में किया जाने वाला कार्य वचनदाता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। यदि वचन ग्रहीता स्वेच्छा से कोई कार्य करता है तो उसे वचनदाता का
प्रतिफल नहीं माना जा सकता है, प्रतिफल नहीं माना जा सकता है। देखिए प्रतिफल से संबंधित जो पहला प्रावधान या नियम है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहला प्रावधान है उसमें बताया गया है कि प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, न कि वचन ग्रहीता की इच्छा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो देखिए प्रतिफल का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि प्रतिफल के रूप में किया जाने वाला कार्य हमेशा वचनदाता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, न कि वचन ग्रहीता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। यदि कोई भी वचन ग्रहीता है वह स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब है अपनी स्वयं की इच्छा से या वचनदाता की इच्छा के विरुद्ध स्वेच्छा से कोई भी कार्य करता है तो उसे वचनदाता का प्रतिफल नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर नहीं माना जा सकता है मुख्य बात है, तो हमेशा जो प्रतिफल है वह किसकी इच्छा पर निर्भर करेगा, वह हमेशा वचनदाता की इच्छा के ऊपर ही निर्भर करेगा। दूसरा है प्रतिफल प्रतिफल से वचनदाता को वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है, वचनदाता को स्वयं को लाभ होना स्वयं को लाभ होना आवश्यक आवश्यक नहीं है। प्रतिफल का जो दूसरा प्रावधान या नियम है उस प्रावधान या नियम में बताया गया है कि प्रतिफल है उसमें ये जरूरी नहीं है कि प्रतिफल से हमेशा वचनदाता को ही लाभ प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रतिफल से वचनदाता के अलावा किसी अन्य पक्षकार को या तीसरे जो पक्षकार है उसको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे देखिए प्रतिफल की वैधता के लिए प्रतिफल की वैधता के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक प्रतिफल की वैधता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वचनदाता को स्वयं को ही लाभ हो यदि वचनदाता को स्वयं को लाभ न हो किंतु उसकी इच्छा से ही वचन ग्रहीता
वचन ग्रहिता ने कोई कार्य किया है, वचन ग्रहिता ने कोई कार्य किया है जिसका किसी अन्य पक्षकार को लाभ हुआ हो, जब ध्यान देंगे प्रतिफल से वचन दाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया कि प्रतिफल में जो नियम या प्रावधान बताया गया है उस नियम या प्रावधान में ये जरूरी नहीं है कि प्रतिफल से जो वचन दाता है उस स्वयं को ही लाभ प्राप्त हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो वचन दाता है उसके कहे अनुसार ही यदि वचन ग्रहिता ने क्या दिया है, प्रतिफल दिया है जिसका लाभ अन्य किसी पक्षकार को भी मिल सकता है। देखिए प्रतिफल की वैधता के लिए, जो प्रतिफल है उसकी वैधता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल से केवल वचनदाता को स्वयं को ही लाभ प्राप्त हो। यदि वचनदाता को स्वयं को लाभ न मिल रहा हो या प्राप्त नहीं हो रहा हो किंतु उसकी इच्छा से ही, किसकी इच्छा से, वचनदाता की इच्छा से, यहाँ पर किसकी इच्छा से काम हो रहा है, वचनदाता की इच्छा से ही वचन ग्रहिता ने कोई कार्य किया है जिसका किसी अन्य पक्षकार को यदि लाभ हुआ है तो वह लाभ भी वचन ग्रहिता या वचनदाता की इच्छा से संबंधित लाभ ही माना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए अजय विजय को कहता है, अजय है वह विजय को कहता है, अजय विजय को कहता है कि वह कुछ मार कि वह कुछ माल वह कुछ माल संजय को भेज दे, संजय को भेज दे तथा भुगतान की एक माह की गारंटी देता है, तथा भुगतान की एक माह की गारंटी देता है, एक माह की गारंटी देता है। यहाँ विजय अजय की इच्छा से, अजय की इच्छा से कार्य कर रहा है अतः यह प्रतिफल भी वैध प्रतिफल, यह प्रतिफल भी वैध प्रतिफल माना जाता है या माना जाएगा। इधर ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है। उसको हम उदाहरण के आधार पर देखते हैं। यहाँ पर तीन पक्षकार हैं, अजय विजय और संजय, तीन हो गए, अजय विजय व संजय। अजय है वह विजय को कहता है, अजय का कोई लेना देना नहीं है लेकिन वह किसको कह रहा है, विजय को कह रहा है। यहाँ पर वचनदाता कौन हो रहा है, विजय हो रहा है। विजय को कहता है कि वह कुछ माल किसे बेच दे, संजय को बेच दे। मुख्य पक्षकार कौन हो गए, विजय और संजय।
विजय है, माल किसको बेचेगा? संजय को बेचेगा, लेकिन किसके कहे अनुसार? अजय के कहे अनुसार। यहाँ पर अजय को सीधा, अजय को क्या नहीं मिल रहा? सीधा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। लाभ किसको मिल रहा है? संजय को, लेकिन किसके कहे अनुसार? अजय के कहे अनुसार। इसलिए भी यहाँ क्या है, यह प्रतिफल क्या माना जाएगा? वैध प्रतिफल ही माना जाएगा। जैसे अजय है, वह विजय को कहता है क्या कि वह कुछ माल किसको बेच दे? संजय को बेच दे, तथा भुगतान की एक माह की गारंटी देता है। कौन गारंटी दे रहा है? अजय गारंटी दे रहा है किसको? विजय को, कि भुगतान कौन नहीं करेगा? संजय नहीं करेगा, तो भुगतान कौन करेगा? अजय करेगा। यहाँ विजय अजय की इच्छा से कार्य कर रहा है, अतः यह प्रतिफल भी क्या है? एक वैध प्रतिफल माना जाएगा। थैंक यू।